आउटपुट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं इसमें अगर आप देखें, एक तो हम इनपुट ले रहे हैं और एक ही हमारी इसकी क्या है आउटपुट है। अब इससे देखें, अगर आप इससे देखें, आप एक इसकी इनपुट है, यहां पर हम इनपुट का जो वायर है वो लगाएंगे और एक इसकी आउटपुट है, तो ये क्या है एक पोल बनाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम MCB के बारे में कैलकुलेशन का जो सीरीज है वो लेके आएंगे, तो हम बात करते हैं आज MCB के बारे में। ये फुल वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे फुल फॉर्म क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, फंक्शंस और पार्ट क्या होते हैं। तो सबसे अच्छा टॉपिक रहेगा फंक्शंस एंड पार्ट और टाइप्स, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और के टाइप और डी टाइप्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं MCB क्या होती है। तो MCB की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो फुल फॉर्म जो MCB की होती है वो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पर जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर टाइप्स की अगर बात करें, तो जो हमारी MCB होती है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले हम काम देखेंगे। कोई भी हमारा जो सर्किट होता है दोस्तों, अगर उस सर्किट में कोई फॉल्ट आता है या ओवर सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड करंट हो जाता है, या वो सर्किट हमें ऑन या ऑफ करना है, तो उसके लिए हम डोमेस्टिक यूज़ पे या फिर हम कमर्शियल यूज़ पे या इंडस्ट्रियल यूज़ पर जो हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब पहले हम फ्यूज यूज़ करते थे, मान लेते हैं हमारे सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है किसी भी कारण से, ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई भी अदर फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट के कारण हमारी जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लोड, अगर हमारा लोड इंक्रीज होता है तो हमारा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। लोड इंक्रीज कैसे होगा, लोड इंक्रीज हमारा किसी भी, अगर हमारे सर्किट में ओवर प्रोटेक्शन आ गया है या फिर शॉर्ट सर्किट कोई हमारा सिस्टम हो गया है, तो उसमें क्या होता है हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ओल्ड अगर मैं बात करूं या फिर मैं पुरानी बात करूं, तो पुरानी जो हमारी बात थी उसमें हम यूज़ करते थे फ्यूजेस। तो जो हम फ्यूज यूज़ करते थे उसमें हम इस फ्यूज़ में एक वायर यूज़ करते थे, और वो वायर क्या कहती थी, वो वायर अगर करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो वायर क्या हो जाती थी, ब्रेकडाउन हो जाती थी। तो वो ब्रेकडाउन क्यों होती थी इसके बारे में जानेंगे हम। तो ब्रेकडाउन हो जाती थी इसलिए क्योंकि अगर किसी भी मेटल में अगर करंट फ्लो होता है, अगर किसी भी मेटल में कोई करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। और जो ये केबल और ये वायर हम इस फ्यूज में लगाते थे, उस वायर को हम लगाते थे जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम, मान लेते हैं 10 एम्पियर के लिए हमारा सर्किट डिजाइन है, यानी कि 10 एम्पियर तक ही ये जो केबल है, ये जो वायर हमने यहाँ पर यूज की है, ये 10 एम्पियर तक ही करंट लेगी, उसके ऊपर ये हीटअप होगी और हीटअप हो जाने के कारण ये ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ये ब्रेकडाउन हो गई तो हमारा सर्किट क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। तो ऑर्डिनरी चीज़ों में या फिर हम पुरानी चीज़ों में अगर बात करें तो हम कौन सा चीज़ यूज़ करते थे, फ्यूज़ यूज़ करते थे। फ्यूजेस क्यों यूज़ करते थे या फ्यूजेस का काम क्या था, ये आप समझ गए होंगे। और उसी को अगर मॉडर्न की बात करूँ तो उसी फ्यूज को मॉडर्न की चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये हमारा क्या है, एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो अब टाइप्स की बात करेंगे कि मिनिएचर सर्किट यानी कि MCB की जो हमारी टाइप्स हैं वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स जो मेनली होती हैं वो टाइप्स होती हैं सिंगल पोल, क्या होती हैं, सिंगल पोल की, यानी कि एक पोल की, दो पोल की, तीन पोल की, और यहाँ पर चार पोल की भी होती है, वो मैंने दिखाया नहीं है, इसी से आपको मैं एक बार समझाता हूँ। और पोल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अब मान लेते हैं ये कोई हमारी MCB है, ये एक पोल की है, ये एक पोल की क्यों है, ये आप इस MCB से समझेंगे। तो एक पोल का मतलब क्या होता है, इसमें एक साइड से क्या आएगी, इनपुट आएगी, और इसकी एक साइड से क्या होगी, आउटपुट होगी। तो इसमें एक इनपुट ले रहे हैं, एक आउटपुट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं इसमें अगर आप देखें, एक तो हम इनपुट ले रहे हैं और एक ही हमारी इसकी क्या है, आउटपुट है।
अब इससे देखें, अगर आप इससे देखें, आप एक इसकी इनपुट है, यहां पर हम इनपुट का जो वायर है वो लगाएंगे, और एक इसकी आउटपुट है, तो ये क्या है, एक पोल बनाता है, क्या एक पोल बनाता है। ऐसे ही डबल पोल में क्या होगा, उसकी दो इनपुट होंगी और दो क्या होंगी, आउटपुट होंगी। ऐसे ही थर्ड थ्री पोल में क्या होगा, तीन इनपुट होंगी और तीन आउटपुट होंगी, और चार वाली में ऐसा ही होगा। तो ये आप समझे होंगे पोल किसे कहते हैं। तो पोल, इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारे फंक्शन एंड पार्ट क्या क्या हैं एमसीबी के, ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चीज़ यूज होती है किसी भी एमसीबी में, वो यूज़ होती है बाई मेटलिक स्ट्रिप। तो बाई मेटलिक स्ट्रिप क्या होती है, बाई का मतलब होता है टू, मेटल का मतलब होता है मेटल, और स्ट्रिप का मतलब होता है कोई भी पट्टी, क्या, जो ऐसी कोई पट्टी जो दो मेटल से बनी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई मेटलिक स्ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप लें, अगर आपने आयरन देखी हो, यानी प्रेस, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ऑटोमेटिकली कट लग जाता है, तो उसमें क्या होती है, एक बाई मेटलिक स्ट्रिप होती है। और ये बाई मेटलिक स्ट्रिप ऐसे होती है, स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कोई हमारी स्ट्रिप है, और ये हमारे इस सर्किट को पूरा कर रही है, यहाँ अटैच है ये। तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, अगर इसमें करंट ज़्यादा होगा, क्या, इससे अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये मुड़ना स्टार्ट करेगी। मान लेते हैं यहाँ पर एक बटन का काम कर रही है, ये एक स्विच का काम कर रही है, ये मुड़ना स्टार्ट करेगी ऐसे, और ये बैंड होती है, ऐसे ऐसे ये बैंड होना स्टार्ट करेगी। अगर इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा, तो इसमें हीट की वैल्यू भी ज़्यादा, और अगर इसमें हीट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये मुड़ना स्टार्ट करेगी, यानी कि बैंड होना स्टार्ट करेगी। और जैसे ये बैंड होती है, ये वाला सर्किट जो हमने कॉइल से दिया था, और यहाँ से हमने अपनी मेन सप्लाई दी थी L1, तो इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट था वो टूट जाएगा, और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट टूटेगा तो हमारी जो हीटर था या हमारा जो एलिमेंट था उसको सप्लाई टूट जाएगी। तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसमें यूज़ होती है, हमारी एमसीबी में भी और प्रेस में भी यूज़ होती है। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप बैंड हो जाती है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, और टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमारा करंट ज़्यादा हो जाता है और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, और जब जैसे ये थोड़ी देर बाद ठंडी होती है तो ये फिर बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो ये सर्किट फिर बन जाता है। तो थोड़ी देर बाद जो हमारी प्रेस होती है वो फिर काम करने लगती है, तो ये प्रेस में ऐसा करता है, और ये एमसीबी में ऐसा करता है। एमसीबी के अंदर ये स्ट्रिप होती है, और ये स्ट्रिप, मान लेते हैं 10 एम्पियर हमारा करंट आना था, और हमारा करंट किसी भी फॉल्ट के कारण 30 एम्पियर आ गया, तो जैसे ही हमारा 30 एम्पियर आया तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप मुड़ गई, और ये जैसे ही मुड़ी तो हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। पर ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप कुछ टाइम्स के लिए ही होती है, ठीक है, ये कुछ एमसीबी में यूज होती है और कुछ एमसीबीज में नहीं होती, तो ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कॉइल की। अब कॉइल जो यूज होती है, कॉइल ऐसे कुछ करके यूज होती है, और ये जो कॉइल होती है इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अगर इसमें करंट आएगा। मान लेते हैं हमारी जो एमसीबी 10 एम्पियर पर काम करेगी, 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो ये क्या करेगी, ये ट्रिप कर देगी जो हमारी एमसीबी है, और इसमें कॉइल का फंक्शन है वो जान लेते हैं। तो ये कॉइल जो होगी, ये कॉइल, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक प्लंजर के पास होता है, ये हमारा प्लंजर है, और ये प्लंजर जो होता है वो हमारी लीवर सिस्टम से जुड़ा होता है। लीवर क्या करता है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस कॉइल के अकॉर्डिंग बनता है, 10 एम्पियर से ज़्यादा ये क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। अब जैसे ही करंट 10 एम्पियर से ज़्यादा होता है, ये कॉइल क्या बनाना स्टार्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमारे प्लंजर को क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है, और जैसे ही ये अपनी तरफ खींचती है तो हमारा लीवर क्या करता है, एक झटका लगता है, और झटका लगने से साथ हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। अब कॉइल के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि कॉइल कैसे कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं बी टाइप स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो बी टाइप हमारी होती है वो एमसीबी क्या होती है, तो अगर बी टाइप की अगर मैं बात करूं, बी टाइप की, तो बी टाइप मान लेते हैं 10 एम्पियर की हमारी एमसीबी है, तो बी टाइप में क्या होता है दोस्तों, वो हमारा जो ट्रिपिंग रेटिंग होता है वो 3 से 5 टाइम्स होता है, यानी कि इस 10 एम्पियर का 3 से 5 टाइम अगर करंट आ गया किसी भी फॉल्ट के कारण, या फिर वो शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है, या किसी भी फॉल्ट के कारण अगर 3 से 5
टाइम्स इस 10 एम्पियर का आ गया, यानी कि या तो 30 एम्पियर हो या 50 एम्पियर हो, तो तभी ये सर्किट क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ये मेनली जो बी टाइप्स की होती है दोस्तों, ये लाइटिंग के लिए यूज होती है। किस चीज़ के लिए? लाइटिंग के लिए यूज होती है, यानी कि इसमें 3 से 5 टाइम इस 10 एम्पियर का करंट आएगा। ये 10 एम्पियर क्या है? ब्रेकिंग हमारा करंट होता है। तो जो हमारी सी टाइप होती है, सी टाइप में 5 से 10 एम्पियर, और डी टाइप में 10 से 15 टाइम्स इस 10 एम्पियर का आएगा। सी टाइप में इसमें 5 से 10 आएगा और डी टाइप में 10 से 15 आएगा। और जेड टाइप एक जो हमारी होती है, जेड टाइप में क्या होता है, 2 से 3 टाइम भी अगर आ गया तो ये ट्रिप करा देगी। ये कॉइल क्या करेगी, अगर मान लेते हैं 10 एम्पियर का हमारा करंट था और 20 एम्पियर भी आ गया, तो ये कॉइल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस लीवर को क्या कर देगी, इस लीवर को क्या कर देगी, ब्रेक थ्रू कर देगी, यानी आउट कर देगी। और ये आउट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी आज की। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने लिया था। धन्यवाद।